तो हाय फ्रेंड, आज बताएंगे आपको डिस्प्ले को कैसे कटिंग करते हैं। देखिए, मशीन से कोई भी फोल्डर हो उसको टच ग्लास कैसे निकालते हैं। तो गाइस वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले को मैं देखिए निकाल कर रखा हूँ, उसके बाद मशीन पर रखती है और रखने के बाद देखिए ये गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद आधा से एक घंटा के अंदर में आपको गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद आपको धागा से कैसे कटिंग करते हैं, तो गाइस वीडियो पर बने रहिए। देखिए, आपको आधा घंटा के बाद यानी कि एक घंटा, उसके बाद आसानी से आपको धागा से आपको कटिंग करना है। और कटिंग करके उसके बाद साफ़ करके और कैसे मैं उसको लगाते हैं, तो गाइस वीडियो पर बने रहिए। तो मैं देखिए इसको कटिंग कर रहा हूँ। तो फिर देखिए कटिंग हो चुका है, और कटिंग होने के बाद आपको इसको सफाई करना है। तो फ्रेंड देखिए, मैं तो गाइस देखिए इसको साफ़ करने के लिए एक रोलर जैसा मशीन आता है, तो मैं देखिए ये हाथ ही से साफ़ कर रहा हूँ। देखिए देसी जुगाड़ है। तो गाइस वीडियो पर बने रहिए। तो फ्रेंड देखिए, ये साफ जो है हो चुका है। उसके बाद आपको लगा कर दिखा देते हैं। तो गाइस वीडियो पर बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड देखिए, ये साफ जो हो चुका है, उसके बाद इसको देखो केमिकल से इसको साफ करना है। इसको हटाने के बाद तो फ्रेंड वीडियो पर बने रहिए। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे भी नया नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए, इसको मैं साफ इसको कर रहा हूँ। देखिए साफ एकदम बढ़िया तरीक़ा से इसको क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद देखिए इसको उसके बाद आपको ओसी करना है। तो फिर देखिए साफ कर दिए है उसके बाद गाइस। तो वीडियो पर बने रहिए। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।